नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएमई विद्या चैनल में। आपके साथ मैं हूं मुक्ता कांडियाल और आप देख रहे हैं हमारा ये लाइव इंटरैक्टिव सेशन ऑफ क्लास 10th। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो मैथ्स, और जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 4। और आप हमारा ये कार्यक्रम पीएम विद्या के चैनल नंबर 10 पर लाइव देख रहे हैं, और हमेशा की तरह एक एक्सपर्ट आज हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 4 उस पर आपको डिटेल से पढ़ाएंगे। जो एक्सपर्ट आज हमारे साथ जुड़ी हैं मैम है मिस सविता ग्रक। मैम इज टीचर एट गीता निकेतन आवासीय विद्यालय सलारपुर रोड कुरुक्षेत्र। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपके सत्र में। जी नमस्कार मुक्ता, और हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। और मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूंगी, किसी भी तरह का प्रश्न हो, किसी भी तरह की आपकी क्वेरीज हो, तो आप हमें फोन करके पूछ सकते हैं। फोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहा है। एक और माध्यम है हमारा ईमेल एड्रेस, जिस पर आप अपने प्रश्नों को हम भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रही है। तो बिना किसी देरी के आज का ये सत्र शुरू करते हैं। सविता मैम, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 4 हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले कि हम पार्ट 4 की तरफ बढ़े, मैम एक क्विक रीकैप हमारे स्टूडेंट्स को मिल जाता कि जो हमने पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 में जो हमने करा उसे आसानी होती आज का जो पार्ट 4 है उसे समझने में मैम। जी बिल्कुल, तो हमारा जो आज का टॉपिक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, इट इज ट्रिगोनोमेट्री सेशन 4। डियर व्यूअर्स, अभी तक आप सेम टॉपिक पर 3 सेशंस देख चुके हैं, और इन तीनों ही सेशंस में हमने ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड वेरियस प्रॉपर्टीज को देखा है, समझा है। इन द प्रीवियस सेशन वी हैव डिस्कस्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, and today again we are starting with the same trigonometric ratios of complementary angles। हमने डिस्कस किया था दैट ऐसे कोई भी दो एंगल्स जिन दोनों एंगल्स को प्लस करने पर हमारे पास 90 डिग्री अवेलेबल हो जाता है, तो उन दोनों एंगल्स को हम बोलेंगे yes, those two angles are complementary to each other। If I am saying that one angle is x degree, other angle is y degree, and the sum of both of these is 90 degree, then these angles are complementary. Now let us discuss that if I want to find the t ratio sine for 90 degree minus a, or angle can be theta or angle can be alpha, that doesn't make any difference. So sine 90 degree minus a, the answer for the same, it will be cos a. Similarly, cos 90 degree minus a equals to sine a. We have discussed all these 6 relationship of the t ratios at the complementary angles in our previous session, and today we are going to discuss a few more questions on the same topic. Here is one question, what it is. It is basically tangent 2a, the value of tan 2a that is given to us to be cot a minus 18 degree. And we have also been given ki 2a jo hai, that is an acute angle. Acute angle means 90 degree se kam hai 2a ki value, chahe wo value jo bhi hai, but that will be less than 90 degree. Hame find karni hai value of a. So okay, let us start doing the same. So what is tan 2a? It is given to be cot a minus 18 degree. Dear viewers, in one of our previous session, हमने discuss किया है that if we are getting somewhere that cot A equals to cot B, or sin A equals to sin B, or tan A equals to tan B, means if the t ratios are same at both of the left hand and right hand side, तो उस case में definitely हमारे angles भी जो हैं वो equal ही होंगे। अब ये बात देखते हुए let us observe our question. यहाँ अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ऑब्जर्व करते हैं तो वी कैन सी दैट ये टेंजेंट इज देयर, बट ऑन आर राइट हैंड साइड द टी रेशियो कोट इज देयर। सो लेट अस सी दैट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टेंजेंट एंड कोट। आई नो दैट इन प्लेस ऑफ टेंजेंट थीटा वी कैन राइट कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, दिस इज द बेसिक रिलेशनशिप। सो दिस इज टेंजेंट 2a, that can be written as cot 90 degree minus 2a equals to cot a minus 18 degree. So yahan se hame samajh aata hai ki cot a minus 18 and cot 90 degree minus 2a, since the t ratios are equal, therefore we can simply say ke in dono ke angles bhi equal honge. That means we can say that 90 degree minus 2a equals to a minus 18 degree. Now let us try solving it. It is negative 2a, negative a
equals minus 18 degree minus 90 degree. On solving it, definitely our viewers will be able to find the value of A, and this is what has been demanded from us. Simply, yahan se hamare paas 36 degree, this will be the value of A on calculation. Aur hame question mein yahi pucha gaya tha ki what will be the value of A. So similarly, more questions related to the complementary angles can be asked to us. Okay, there is one more question. Let us see how to solve. What's special or different in this question from the previous one? Here we have been given that these three angles A, B, C, these are the interior angles of a triangle ABC. Okay, dear viewers, agar hamare paas ye tino kisi triangle ke interior angles hain, so we are able to say that angle A plus angle B plus angle C equals to 180 degree. Because we know that the sum of three angles of a triangle is 180 by angle sum property of a triangle. Okay, now what to prove? We have to prove that, let us see, this is very interesting question, that sine B plus C upon 2 equals cos A upon 2. All right, let us start with the left hand side. अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को ऑब्जर्व करते हैं, वी आर एबल टू सी दैट इट इज साइन बी प्लस सी अपॉन टू. सो इफ इट इज साइन बी प्लस सी अपॉन टू, वी कैन रीराइट इट एज साइन. ओके, कैन वी से दैट द वैल्यू ऑफ एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए? अनडाउटेडली, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 है. तो किन्हीं भी दो एंगल्स का सम कैलकुलेट करने के लिए वी कैन सबट्रैक्ट द थर्ड एंगल फ्रॉम 180. सो इन प्लेस ऑफ बी प्लस सी, लेट अस पुट दिस पर्टिकुलर वैल्यू. इफ वी ऑब्जर्व दैट इन इक्वेशन नंबर 1, बी प्लस सी, द वैल्यू ऑफ इट इज 180 माइनस ए. द सेम वी आर राइटिंग हियर, एंड आफ्टर राइटिंग दिस वी कैन से दैट इट इज इक्वल टू साइन 180 degree divided by 2 minus angle A divided by 2. That means we are able to say that sine 180 upon 2. Agar hum 180 ko 2 se divide karte hain, to we are getting simply 90 degree minus angle A upon 2. That means I do have sine 90 degree minus theta, and we know that it is equals to cos theta. See, this is sine 90 degree minus theta means a upon 2 here. So aap ise likh denge cos a upon 2, and if you write it as cos a upon 2, we can clearly see that this is what demanded, means this is our right hand side. This is one of the very interesting as well as very important question, dear viewers. Now let us proceed towards trigonometric identities. This is the last topic from this chapter, but it is sine square a plus cos square a equals to 1. This is the first ratio, trigonometric identity. And how can we say this? See, from the very beginning, hame pata hai ki sine a ki jo value hai, ye kya rehti hai? It is always equals to perpendicular upon hypotenuse. What is the value of cos a? It is based upon hypotenuse. And we know that sin square a plus cos square a, agar hum inka square karke inko add karte hain, to clearly we will be able to find the value 1. Let us see how. Sin square a, it is p square upon h square, plus the value of cos a, what it is? It is undoubtedly b upon h. Or agar aap square karenge, so you are getting b square upon h square, and what it is equals to? Yes, the numerator is base square plus perpendicular square. Dear viewers, we all know it very well that the sum will be h square, and finally the answer will be 1. That means the value of sine square a plus cos square a is always 1. Similarly, if we want to check that what will be the value of secant square a minus tan square a, that will again be 1. And cosecant square a minus cot square a, that will again be 1. So
तो ये तीनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, हमें बहुत अच्छे से इन्हें लर्न भी करना है और समझते हुए लर्न करें। सो नाउ व्हाट इज योर साइन स्क्वायर ए? एक्चुअली आई नो दैट द फर्स्ट आइडेंटिटी इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स वन। फ्रॉम हियर वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए एंड व्हाट दैट इज वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। Similarly, what is the value of cos square a? That is 1 minus sin square a. From the first identity only, we can calculate these two values. Similarly, अगर हम second identity और third identity का use करते हुए try करते हैं कि what can be our value, what can be the more relationships. So, this is secant square a. We can see that secant square a equals 1 plus tan square a. And what will be the value of tan square a? Basically, यहाँ पर आकर हमारे students थोड़ी सी mistake करते हैं। अगर मैं पूछती हूँ कि tan square a की value क्या है, simply you will either say 1 minus secant square a, or there is a quite possibility कि कुछ students बोले secant square a minus 1. And this is the right answer. Simply what I have done, I just have taken this tan square a towards right hand side, then its sign becomes positive and this one has been dragged towards left hand side, thus it becomes minus 1. So tan square a ki value kya hai? Secant square a minus 1. Yahan kuch students mistake karte hain, wo galti se ya to plus ka sign laga dete hain ya 1 minus secant square a likhte hain, so you will not do any mistake of that kind. Now the next, it is cosecant square a, it is equals to 1 plus cot square a, and if I say what will be cot square a, that will again be cosecant square a minus 1. So these are all the identities jo hum use karenge in solving various questions. And the very first question from this typology, it is ki hame बाकी सभी टी रेशियोज को, डियर व्यूअर्स हम सब जानते हैं दैट देयर आर टोटल 6 टी रेशियोज, और कौन कौन से होते हैं ये 6 टी रेशियोज? दीज आर साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसिकेंट ए, सिकेंट ए एंड कोट ए। एंड वी ऑल नोज ए किसी ना किसी तरह से ये 6 के 6 टी रेशियोज एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। तो अभी हमें क्या करना है कि बाकी सभी टी रेशियोज को, यानी कि रिमेनिंग 5 टी रेशियोज को लिखना है इन टर्म्स ऑफ सिकेंट ए। सो लेट अस ट्राई। सबसे पहले हम सोच लेते हैं कि कौन सा ऐसा रिलेशनशिप है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि सिकेंट का रेसिप्रोकल कौन होता है। तो हमें पता है कि कोस ए की जो वैल्यू है वो रहती है 1 अपॉन सेकेंड ए। सो इन दिस वे हमें अपने बाकी बचे हुए पांचों टी रेशियोज में से सबसे पहले कोस ए, इस टी रेशियो को किसकी फॉर्म में हमने लिख दिया? सेकेंड ए की फॉर्म में, दैट कोस ए इक्वल्स टू 1 अपॉन सेकेंड ए। अब हम नेक्स्ट रिलेशनशिप आइडेंटिटीज से सोचते हैं कि किसके साथ मिलकर सेकेंड स्क्वायर ए जो है वो 1 बनाता है। We know it that secant square a minus tan square a जो है ये हमेशा 1 के इक्वल होता है, and because of this we can say that yes, tan square a equals to secant square a minus 1. So tangent a is basically equals to under root of, because अगर आप square को देखते हैं so you can simply say that yes, tangent a equals to under root of secant square a minus 1. तो इस तरह से हमने अपने दो टी रेशियोज को, वन इज कोस एंड अदर इज टेंजेंट, इन दोनों टी रेशियोज को हमने लिख दिया है इन द फॉर्म ऑफ सिकेंड। सिमिलरली अगर मैं चाहती हूं कि मैं कोट को भी सिकेंड की फॉर्म में लिखूं, तो आई नो कोट जो है वो टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है, दस कोट ए कैन बी रिटन एज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ सिकेंड स्क्वायर माइनस 1, because cot a equals to 1 upon tan a, or tan ki value hamare paas kya hai, that is equals to under root of secant square a minus 1. Isi tarah se agar hame change karna hai
sine A and cosecant A को in the form of secant A, so we will follow the given identities or the given formulas. जैसे अगर आपको निकालना है sine A को in the form of secant A, तो अभी आप सोचेंगे कि ऐसा एक भी relationship अभी तक discuss नहीं किया गया जहां पर sine और secant directly related हो. But हमें पता है that sine square A प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू वन होता है और कोस को हम सेकेंड की फॉर्म में वन अपॉन सेकेंड लिख सकते हैं. सो फ्रॉम हियर यू विल बी एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए इन द फॉर्म ऑफ सेकेंड. सिमिलरली कॉसिकेंट जो है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन एंड इन दैट वे कॉसिकेंट को भी हम सेकेंड की फॉर्म में लिख सकते हैं. इसी तरह से अगर मैं चाहती हूँ किन्हीं भी 5t रेशियोज को साइन ए की फॉर्म में लिखिए या तो टेन ए की फॉर्म में लिखिए या फिर कोट ए की फॉर्म में लिखिए, सो दिस विल बी द मेथड. हम इजीली इस तरह से सभी टी रेशियोज को किसी एक टी रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं. सो हेयर इज अ क्वेश्चन, व्हाट इट इज, प्रूव दैट अंडर रूट ऑफ वन प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय, दिस इज कंप्लीट, रूट वन माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू समथिंग. सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं डियर व्यूअर्स, कि हम किस तरह से प्रूव कर सकते हैं कि सम रिलेशन इक्वल्स टू सम अदर. और ये प्रूव करने का जो डायरेक्ट मेथड रहता है व्हाट दैट इज, हम कोई भी एक साइड लेफ्ट हैंड साइड से हम बिगनिंग करके देखते हैं और ट्राई करते हैं कि किसी तरह से मेरे पास कॉसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा अवेलेबल हो सकता है. सो उसे ट्राई करने के लिए आप सबसे पहले देखेंगे कि क्या चीज रिमूव करनी जरूरी है. अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को ऑब्जर्व करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर ये अंडर रूट है एट द न्यूमरेटर एज वेल एज एट द डिनोमिनेटर, बट राइट हैंड साइड पर रूट इज नॉट देयर. तो हमें समझ आ जाता है कि वेरी फर्स्ट टास्क विल बी किसी तरह से इस रूट को खत्म करना है, एलिमिनेट करना. सो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, लेट अस राइट दीज टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अंडर द सेम रूट. फर्दर लेट अस रेशनलाइज, जैसे हमने अपनी अर्लियर क्लासेस में भी और इस क्लास में भी किया है कि अगर डिनोमिनेटर पर रूट समथिंग है तो हम उसे रेशनलाइज करके डिनोमिनेटर का रूट जो है वो खत्म कर सकते हैं. तो वही हमारे माइंड में आता है, हम बिगिन करेंगे. यस डियर व्यूअर्स, इट इज अ मस्ट कि हमारी सभी आइडेंटिटीज, सभी फॉर्मूलाज जो हमने अभी तक डिस्कस किए वो जरूर हमें लर्न हो और उन्हीं सबके बेस को लेते हुए हम इजीली अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. तो देखते हैं फर्दर. और सविता मैम, हम इससे पहले आगे बढ़े, हमारे सेशन में आखिरी के 5 मिनट रह गए मैम. जी बिल्कुल, धन्यवाद. So this is 1 plus cos theta into 1 plus cos theta. So the same value is there, that's why what can you write it as? Hum ise likh sakte hain 1 plus cos theta whole square. And if we observe the denominator, hume bahut acche se ek identity dhyan mein aani chahiye, which is an algebraic identity. What it is, a minus b into a plus b. तो हमारे व्यूअर्स जानते हैं दैट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज सिंपली 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. और अभी हम वापस रिकॉल करते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा. सो आर डिनोमिनेटर बिकम्स साइन स्क्वायर थीटा, आर न्यूमरेटर इज 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर. अभी अगर हम व्यू करते हैं तो हम इसे रीराइट करते हुए लिख सकते हैं 1 प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा होल स्क्वायर. एंड दस वी डू हैव सिंपली 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन साइन थीटा, दैट इज अनडाउटेडली कोसेकेंट थीटा. In its place, you can put cosecant theta. और ऐसे ही हमारे viewers जब cos theta divided by sin theta की value को सोचेंगे, so that is nothing else than cot theta. So we do have right hand side which is cosecant theta plus cot theta. अगर हमारे viewers को कोई भी identities या formulas में कोई confusion है, तो it will be better कि वो हमारे पिछले कुछ sessions को जरूर view करें.
And here is one more question. This will be the last question for today's session. What it is? It is basically sine theta. Let us start with the left hand side only. So sine theta, sine theta, sine cube theta. Clearly समझ आ रहा है that from the numerator sine theta को आप common ले सकते हैं. Okay. And if we see the denominator, dear viewers, it is double of cos cube theta minus cos theta. Cos theta can be considered common from here. So this is what we have with us. अब हमें समझ आ रहा है that yes, this sine upon cos जो है it is becoming tan theta. लेकिन ये सब जो बच जाता है इसे कैसे हम eliminate करेंगे, कैसे खत्म करेंगे? I know that in place of one, we can apply the identity sine square theta plus cos square theta. Similarly, at the denominator, sine square theta plus cos square theta. But since there is a negative sign just before one, so the sign of sine square and cos square will also be changed. अगर हम observe करते हैं, तो bracket के अंदर आपके पास जो value है, this is undoubtedly same at the numerator as well as at the denominator. We just have cos square theta minus sine square theta. So these will be cancelled. The same value is there at the denominator, and this is your right hand side. I would like our viewers to discuss the problems based on the same with us. We are here to solve their problems. बिल्कुल सविता मैम, मैं उम्मीद करती हूँ हमारे सबसे पहले जो दर्शक हैं उन्हें कोई परेशानी आई नहीं होगी आज के सेशन में. इन तमाम जितने भी आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करे क्वेश्चन आपने दिए इनको सॉल्व करने में, क्योंकि साथ ही आप इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे. फिर भी अब मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी, किसी भी तरह की आपकी क्वेरी हो, अगर आपके डाउट हो आज के सेशन को लेकर, तो आप हमें लिख भेज सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस पर जो कि है dth.class10@cit.nic.in. सविता मैम, आपका एक बार फिर से धन्यवाद. आप हमारे साथ जुड़ी और आज आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक आज हमारा पार्ट 4 था उसे हमारे स्टूडेंट्स तक डिलीवर करा. थैंक यू सो मच मैम. जी बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. और मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहूँगी, फिलहाल आप कहीं मत जाइएगा, हम इस सेशन को यहीं पर समाप्त करें, लेकिन हम जल्द हाजिर होंगे अपने अगले सत्र के साथ. जुड़े रहिए पीएम विद्या चैनल और एनसीईआरटी ऑफिशियल से. मुझे दीजिए इजाजत. नमस्कार.